हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल, आपका स्वागत है पारुल के चैनल में। जहाँ मैं रहती हूँ होम रेमेडी डीआईवाई मैनी मोर चैलेंज रिलेटेड टू स्किन हेयर एंड अदर दैट इज वर्थ इट और नॉट। तो आज सबसे डिफरेंट सा है, ये मेरा खुद का है। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने हेयर कट, और मैं पहले भी करती रहती हूँ, पर आज मैं सोचा कि आपके साथ दिखा के करूँ, मतलब आपको भी दिखा दूँ कैसे क्या अपनी लेंथ को मैं कट करती हूँ। तो ये मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया मैं अपनी पोनीटेल बनाती हूँ, तो बहुत ही अच्छी नहीं बनती। वो पता नहीं कौन सा अल्फाबेट बन जाता है, बहुत से को होता है वी बनता है, पर मेरा पता नहीं कौन सा अल्फाबेट बनता है। और मुझे ये लेंथ मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसको चाहती हूँ कि इसको कट कर दूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कितनी गंदी लेंथ आ रही है, तो मैंने सोचा चलो हम इसको कट ही कर देते। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा अपने बालों को गीला। पहले मैंने एक दो बार मैंने स्प्रे ट्राई किया, तो मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने सीधा जाके बाल्टी में सर डुबो लिया, जैसे कि हम नॉर्मल हेयर वॉश करते हैं, मैंने वैसे कर लिया। शैम्पू से नहीं किया, बस मैंने इसको भिगो लिया था। और फिर उसके बाद ये थोड़े से गील वाल थोड़े उलझते तो है, तो फिर मैंने इसको एक दो बार कोम किया। नीचे साइड से हमें कोम करनी होती है, ऊपर साइड से नहीं करनी होती है। तो ये अच्छे खासे से मतलब सुलझ गए थे, बहुत ही इजीली सुलझ गए, क्योंकि थोड़ा मैंने मोटा कोम यूज़ किया था। पतले कोम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मैंने कहा चलो अब इनको कट करते हैं। अच्छे से मैंने वेट हेयर कर लिए हैं और फिर अब इनको कट करेंगे। तो उसके लिए सबसे मैं अपने बालों को पीछे ही करना होता है, और मुझे नहीं पता ये मैं फ्रंट की लाइन क्यों करना भूल गई, मतलब ये एकदम फ्रंट की लाइन नहीं है, पर ठीक ठाक चल जाती है, मेरा हमेशा फ्रंट की लाइन ही रहती है, और ये जो मुंह पे पड़ता है। फिर हमें जैसे तैसे इनको अच्छे से सुलझाना होता है, हमें ज़्यादा इनको रफ रफ नहीं करना, ताकि उलझे और अच्छे से अपना सा हेयर कोम हो जाए। तो फिर हमने इसको किया, वैसे तो ऐसे देखने में मेरी हेयर लेंथ सही लग रही, नहीं लग रहा कितने गंदे पोनीटेल बनाने के बाद इतना गंदा उसका इफेक्ट आता होगा। तो मैंने कहा चलो हम इसको कट करते हैं। वैसे मेरे हेयर कट मम्मी करती हैं, तो मैंने कहा चलो हम खुद भी ट्राई करें। वैसे मैं जब मैं करती हूँ तब इससे थोड़े से लॉन्ग ही होते हैं बाल, पर इस टाइम थोड़े से शॉर्ट है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, पर आप एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। पहले मैंने मेजर किया, वो बहुत लंबा था, मतलब बहुत ज़्यादा कट हो रहे थे बाल, तो मैं इतने तो नहीं करना चाहती थी, पर बहुत छोटे से करना चाहती थी, ताकि एक अच्छा सा शेप बन जाए पोनीटेल में, जो कि हम नॉर्मल चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लगे पोनीटेल में। तो इसको मैंने ऐसे ही कट कर दिया था। फिर इसको हमें थोड़ा सा रफ रफ भी करना होता है, ताकि एकदम अजीब सा ना आए। और फिर मुझे एक साइड मुझे लगे कि हाँ अभी भी थोड़े से लॉन्ग है, मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था लाइक 1.5 के अराउंड, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस लगे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा चलो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। बाकी जो मेरे आप देख सकते हो, जो ज़्यादा गंदे बाल होते हैं, जो ज़्यादा जिनमें कोई जान नहीं होती, वो मेरे ड्राई हो चुके हैं, और जिनमें थोड़ी सी जान है, ज़्यादा तक मेरे बालों में जान ही है, तो वो अब तक ड्राई नहीं हुए हैं। ये अच्छी पहचान होती है अपने बालों को। अरे मेरी अच्छी खासी हेयर लेंथ हो गई, जब ठीक ठाक सी हो गई थी, पर इतना ज़्यादा नहीं है, पर जिसके लिए हमने ट्राई किया था वो अभी भी नहीं हो पाया था, उसके लिए शायद हमें कुछ ज़्यादा ही बाल कट करने पड़ेंगे। अभी तो मैंने कट नहीं किए हैं। और जो आपने थंबनेल में देखा वो अप्रैल फूल है, क्योंकि अप्रैल का मंथ तो अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो मजाक चल रहा है, ज़्यादा नहीं ना। सो सॉरी फॉर दैट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट।